अध्यक्ष महोदय अहम संस्कृतेन वक्तुम् इच्छामि, अनुमति मिलिष्यति वा? बहुत बहुत धन्यवाद। अद्य यत् विधेयकः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठार्थं तद् विधेयकानां समर्थेन अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वास्तविकतया संस्कृत अस्माकं राष्ट्रस्य प्राण भवति। संस्कृतं विना भारतस्य कल्पनामपि असम्भवम्। माननीयः कानी मूजी महोदयानां प्रति मम मनसि बहु श्रद्धा अस्ति, सा तु अत्यन्त वरिष्ठ सांसद, परन्तु संस्कृतं तमिल मध्ये किञ्चिदपि विवादं नास्ति। अहं ज्ञातुं न पारयामि किमर्थं तेषां मध्ये असन्तोषं जातम्। संस्कृत भवति न केवल भारतस्य, समग्र विश्वस्य भाषानां जननी। अस्माकं लैटिन, ग्रीक, एंग्लो भाषा अपि संस्कृत संभव। उड़िया भाषा तो संस्कृत से निकटतम भाषा, परंतु लैटिन ग्रीक अपि अस्माकं संस्कृत भाषायां वयं मातुः शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। माता, मातर, मातर शब्दतः मातर, मातर ग्रीक लैटिन मध्ये भूत्वा मादर शब्दतः आविर्भाव, शब्दस्य आविर्भावः भवति। तथा वयं पितर शब्द प्रयोगं कुर्मः, फादर निमित्तं पितर शब्द, परंतु आंग्ल भाषाया ध्वनि विज्ञान अत्यंतम अपूर्णम्। ते त उच्चारण कर्तुं न पारयन्ति, टी वर्णेन ते ट उच्चारणं कुर्वन्ति। पीतर शब्दस्य ते पीटर रूपेण प्रयोगं कृतवन्तः। 50 वर्षात् पूर्वं आंग्लो साहित्ये वयं पीटर शब्दानां बहुल प्रचलनं दृष्टवन्तः। पीटर माध्यमेन लैटिन ग्रीक मध्ये पाटर पीटर भूत्वा आंग्ल भाषायाम् अपि कतिचित् पद्य साहित्ये पीटर शब्दस्य प्रचलनं आसीत्, इदानीं फादर ते कथयन्ति। तथैव भ्रातर शब्दतः ब्रदर, द्वितर शब्दतः डटर, पथ शब्दतः पाथ, पंच शब्दतः पंच, मानव शब्दतः मैन, गौ शब्दतः काउ, नाम शब्दतः नेम। तथैव सहस्राधिक संस्कृत आंग्लो शब्दाः साक्षात् संस्कृत साहित्यतः आगच्छन्ति। संस्कृतस्य प्राचीनता विषये कापि विवादं नास्ति। इदानीं संस्कृतस्य सर्वाधिक प्रामाणिक व्याकरणं भवति पाणिनि व्याकरणं। पाणिनि व्याकरणे बहुविध पूर्व व्याकरणानां उदाहरणम् अस्ति, अतः पाणिनि व्याकरण आदि व्याकरण न भवति। परंतु वेदानां अध्ययन निमित्तं पाणिनि महोदयानां अष्टाध्यायी पठन अत्यंत परिहार्य। यथा अस्माकं वेदांगते कथयन्ति कल्प निरूपक छंद ज्योतिष शिक्षा व्याकरण, तथैव पाणिनि व्याकरणस्य अध्ययन अत्यंत आवश्यक। परंतु लोक व्यवहारार्थ पाणिनि व्याकरणस्य आवश्यकता किंचिदपि नास्ति। बिना व्याकरण वयं संभाषणं कर्तुं पारयामः। महामपि अनुष्ठानिक रूपेण किञ्चित् महाविद्यालये संस्कृतं न पठितवान्, परंतु यदि वयं द्रक्ष्यामः तर्हि पाणिनि व्याकरणस्य आविर्भाव काल भवति प्रायतः 14 BC, अर्थात 3500 वर्षात् पूर्वं पाणिनि व्याकरणस्य आविर्भाव। इतः पूर्व बहु व्याकरणाः सन्ति, पाणिनि तेषाम् उदाहरणमपि दास्यन्ति, परन्तु व्याकरणानां पूर्व भाषानां आविर्भावः भवति। प्रथमतया भाषा, तदुपरि व्याकरणम्, अर्थात् ग्रामर फॉलोज द लैंग्वेज। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा, तमिल भाषा या संस्कृत भाषाणां च बहु सामंजस्य भवति। समग्र भारतीय भाषा, समग्र विश्व भाषा, राशियन, लैटिन, ग्रीक भाषाणां जननी भवति संस्कृत भाषा। अस्माकं कृते गर्वस्य गौरवस्य कारणम्। परंतु जनाः कथयन्ति संस्कृत पठित्वा किं करिष्यामः, किं उदरपोषणं भविष्यति वा, उद्योगं मिलिष्यति वा, अर्थोपार्जनं भविष्यति वा, किम् आंग्ल भाषा पठित्वा उदरस्य उदरपोषणस्य ग्यारंटी अस्ति वा, विज्ञान पठित्वा उदरस्य ग्यारंटी अस्ति वा? उदरपोषण मानव निमित्तम् अत्यंत परिहार्यम्, आवश्यकम्, परंतु मानव जीवनस्य ध्येय कदापि भवितुं न पारयति। पशु उदर आश्रित जीवन भवति पशुनां, मानवस्य जीवन भवति एक महत्तर चेतनायाः अभिव्यक्ति निमित्तं मानव जीवनस्य आविर्भाव भवति। अतः यदि वयं संस्कृत पठामः तर्हि संस्कृत माध्यमेन उदरपोषणस्य ग्यारंटी अस्ति। यदि वास्तुशास्त्र पठामः, इदानीम् अस्माकं देशात् कतिपय जनाः गत्वा विदेशे लक्ष रूप्यकाणि उपार्जनं कुर्वन्ति, देशे च कुर्वन्ति। यदि योगशास्त्र अध्ययनं कुर्मः सम्यक् रूपेण तर्हि देशे विदेशे च बहुधनोपार्जनं कर्तुं पारयामः। यदि आयुर्वेद पठामः, यदि उद्योगं मिलिष्यति अथवा आत्मनियुक्ति कर्तुं पारयामः फार्मासी निर्माय। यदि कर्मकाण्ड पठामः तर्हि विदेशे प्रवासी भारतीयानाम् आवश्यकता पूर्ति निमित्तं ते निरन्तरक्रन्दनं कुर्वन्ति, बहुधनोपार्जनं कर्तुं पारयामः। साहित्य व्याकरणादि पठित्वा अस्माकं देशे विद्यालये, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये तु उद्योगं मिलितुं पारयति। परन्तु संस्कृतमाध्यमेन जीवनस्य मूल्यबोधानां प्रचारं कर्तुं पारयामः, स्वकीय अनुभूति अपि भवितुं पारयामः। यदि पश्यतु
संस्कृत साहित्य अस्ति माता भूमि पुत्रम पृथिव्या शय्या त्याग समये भूमाता प्रति कृतज्ञता ज्ञापयित्वा भूमि स्पर्शम कृत्वा पंचने वयम कथयाम माता भूमि पुत्रम पृथिव्या समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तव्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे श्री रामचंद्र ने उक्तम अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे तरी मातृभक्ति देशभक्ति संस्कृत साहित्य अस्ति गुरुभक्ति अपि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अस्ति मातृदेवो पितृदेवो अतिथिदेवो आचार्य देवो अस्माकं वेदः कथयन्ति तथैव गावो विश्वस्य मातरः कथयति संस्कृतभाषा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति अर्थात मानवीय मूल्यबोधानां भंडार भवति अस्माकं संस्कृत साहित्य यदि वयं कथयामः सर्वाधिक विज्ञान सम्मता भाषा रूपेण संस्कृत इदानीं विश्वविदितम् अहम् एक अस्माकं उत्कल प्रदेशे एक उच्च शिक्षा सचिव महोदयानां सह एक वारं बहु तर्क संजात संस्कृतं निर्वासन निमित्तं सह एक निर्णयं कृतवन्त तदैव बहु संस्कृत अध्यापक मत्कृते कथितवन्त अहम् आगत्य तत्र गयम् स कथयति संस्कृतभाषा प्राचीन भाषा कथम आधुनिक भाषा भविष्यति अहम् कथितवान् ब्रजेन्द्रनाथ शील महोदयेन एक पुस्तकेन लिखितं इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड तथैव संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन भाषा भूत्वापि इदानीं अनंत तारुण्यस्य अक्षय तेजसा हिमाद्रिवत विद्यमानम् अस्ति सा नित्य नवीना सा सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत वृद्धा भवितुं न पारयति यथा अस्माकं हिमालय कदापि वृद्धा भवितुं न पारयति नित्य तारुण्यस्य अनंत तेजसा विद्यमानम् अस्ति अहं कथा कथयति आधुनिक भाषानां कापि वैशिष्ट्यं अस्ति अहं कथयामि किं वैशिष्ट्यं स कथयति विज्ञान सम्मता भाषा अहं कथयामि कृपया लिखतु जी एच ओ टी आई किं भविष्यति स कथयति घोटी भविष्यति अहं कथयामि अहं राफ फिश इत्यादि कथयामि ऑनरेबल मिनिस्टर विल डिस्कस द लैंग्वेज सेपरेटली सर निमेषोदय सर इदानीं विदेशे संस्कृतस्य समादर बहु भवति अस्माकं देशे जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं न पारयन्ति भारत संस्कृतस्य जन्मस्थान सर अस्माकं वेदोपनिषदादि अस्माकं सर व्यासदेवेन वेदानां संकलनं कृतवन्तः वेद रचित ग्रन्थ न भवति वेद श्रुत्वा श्रुत्वा गुरु परंपरा क्रमेण श्रुति वेद श्रुतिरूपेण प्रचलितम् आसीत् वेदस्य आविर्भाव काल कोऽपि कथितुं न पारयति प्रामाणिकता पूर्वक व्यासदेव पञ्चसहस्रात् वर्ष पूर्वं चिन्तितवान् कि जनानां श्रुतिशक्ति इदानीं ह्राश भवति तर्हि लिपि रूपेण देवनागरी लिपि माध्यमेन स लिखितवन्तः वेदानां एडिटर् भवति ऋषय मन्त्र द्रष्टारं न तु वेदस्य कारणं न कश्चित् वेदकर्तारं वेद स्मर्ता चतुर्मुखं सर्वमेव संस्कृतेन अष्टादश पुराणादि संस्कृतेन लिखितं पञ्चदशी भवतु विवेक चूडामणि भवतु मोहम्मुद्गर भवतु संख्यकारिका भवतु षड्दर्शन संग्रह भवतु सिद्धांत द्रवण भवतु सर्वमेव संस्कृतेन सर किम् एतानि सर्वाणि शास्त्राणि त्यक्त्वा भारतस्य कल्पना वयं कर्तुं पारयामः वा संस्कृतं विना अस्माकं आत्मपरिचिति अपि ज्ञातुं न पारयाम संस्कृत विश्वविद्यालय माध्यमेन एक ऐतिहासिक कार्यं भवति नरेन्द्र मोदी अस्माकं यशस्वी प्रधानमन्त्रीणां केन्द्रीय विश्वविद्यालय मानव संबल विकास मंत्री महोदयानां कृते अहं धन्यवाद दातुं भाषामपि न प्राप्तवान् सर सर निमेषोदयं सर संस्कृतस्य अधोगति कारण संस्कृतस्य अनादर कारणात् भारतस्य अधोगति अभवत् अतः संस्कृतस्य समादर माध्यमेन राष्ट्रस्य पुनरभ्युत्थान भविष्यति सर एक अस्माकं पूर्वतन प्रधानमंत्री विदेश गत्वा कथयति इदानीं सः मृतः स कथितवान् अस्माकं न कोऽपि संस्कृति अस्माकं मिलिजुलि संस्कृति अस्माकं न कोऽपि राष्ट्र अस्माकं राष्ट्रसङ्घ अस्माकं न कोऽपि देश अस्माकं उपमहादेश सर भारत इतिहासस्य निष्पक्ष विश्लेषणं कृत्वा एतत् तर्कस्य असारता वयं ज्ञातुं पारयाम सर उड़िया बिहारी बंगाली तमिल तेलुगु सर्वे मिलित्वा एक महान राष्ट्रस्य संगीतगानं कुर्वन्ति संस्कृतस्य ध्वनि तरंग माध्यमेन वातावरण शुद्धं भवति मनसि प्रफुल्लता आगच्छति विविध रोगाणाम् उपशमं भवति एतत्तु विज्ञान सिद्ध सत्यम् सर यथा एक वृक्षस्य शाखा प्रशाखादि फल पुष्प सर्व बाह्यदृष्ट्या भिन्न दृश्यते परंतु समान खाद्य सार जीवन समग्र सर्वांग पुष्टम करोति तथैव धन्यवाद धन्यवाद तथैव सर थैंक यू धन्यवाद तथैव सर निमेषोदय मंत्री जी सर उत्कल उत्कल देश से आते हैं जहां दो विभूतियों के बारे में काफी चर्चा होती है सर निमेषोदय सर तथैव हाँ
तथैव सर संस्कृत भाषा समग्र सहस्राधिक सर संस्कृत भाषा सहस्राधिक भारतीय भाषा नाम जननी भवती सर सर कथयन्ति संस्कृत वाला सर सर सचिव महोदय मत कृते कथितवान संस्कृत भाषा इलास्टिक लैंग्वेज न होती अहम एक उदाहरण दास्यामि सर आंग्लो भाषा यदि वयम कथयामि रामो इज गोइंग होम बाय रोड सर संस्कृत भाषा किं भविष्यति रामो मार्गेण गृहं गच्छति सर आंग्लो भाषा माध्यमेन किं भाषानं एक वाक्य से पुनर्गठन कर्तुं पारयाम वा न कर्तुं पारयाम केवल राम इज गोइंग होम बाय रोड परंतु संस्कृत भाषा अहम चतुर्विंशति प्रकारेण वाक्य गठन कर्तुं पारयामि राम मार्गेण गृहं गच्छति राम गच्छति गृहं मार्गेण गृहं राम गच्छति मार्गेण मार्गेण राम गृहं गच्छति चतुर्विंशति सर्वमेव समस्त वाक्य व्याकरण दृष्ट्या शुद्धं सर पृच्छतु सर्व समस्त वाक्य व्याकरण दृष्ट्या शुद्धं सर इदृशी नमनीय भाषा सुंदरा भाषा मधुरा भाषा लालित्यमयी भाषा संगीतमयी भाषा ध्वनि विज्ञान समन्वित भाषा अत्यंत मार्जित संस्कारित भाषा सर सर विनम्रता पूर्वक हम निवेदन करिए मैं सर सर स्वामी विवेकानंद ब्यूटी सर एक वाक्य इंडियन लैंग्वेज सर इट्स नॉट एंग्लो लैंग्वेज दैट्स व्हाट ही इज सेइंग स्वामी विवेकानंद ऑफ इंडियन लैंग्वेज सर स्वामी विवेकानंद कथयति संस्कृत प्रेस्टीज इन इंडिया संस्कृत भारते गौरवस्य विषय परंतु इदानीं प्रमाणितं संस्कृत समग्र विश्वे गौरवस्य विषय स कथयति वेदेषु श्रूयते आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठो मेधावी अर्थात् दृढ बलवान बुद्धिमान उत्साहयुक्तश्च नरः एव ईश्वरं प्रति गन्तुं समर्थो भवति भावि जीवनम निश्चेतुम अयमेवी काल अतो हम ब्रवीमि अस्यामेव उत्फुल्लायाम युवावस्थायाम नवोत्साह भरिते काले कार्यम कुरुत यथा यत् पुष्प मानव वृद्धितम प्रत्यग्रोपहृतम अशुष्कम च तदेव भगवतः परमेश्वरस्य चरण समर्पिते ततु तदेव स्वीकरोति धन्यवाद अतः आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा दलगत राजनीति ऊर्ध्वं गत्वा राष्ट्रीय एकात्मता निमित्त संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा निमित्तं समर्थनं ज्ञापयाम भारते इतिहासस्य नव निर्माण करिष्यामि इति कथित्वा विरमामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।